छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट जिसे कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। दशकों से यहां कमलनाथ के परिवार का ही दबदबा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2024 में बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में लगा रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। देखा जाए तो कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए जिम्मेदारी बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को दी है। इसी क्रम में कैलाश विजयवर्गीय 3 दिनों के लिए छिंदवाड़ा दौरे पर हैं और यहां वो पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और समीक्षा करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो बिल्डिंग चल रही है उसमें यही चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से लाए उम्मीदवार। जबलपुर में लखन घनघोरिया चुनाव लड़ने तैयार नहीं है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं और लड़ने को तैयार। छिंदवाड़ा मिशन 29 पे भाजपा लगी हुई है, छिंदवाड़ा रोड़ा बनती है हमेशा, इसको कैसे? बिल्कुल नहीं, अब की बार शुरुआत ही छिंदवाड़ा से होगी। तो सुना आपने, छिंदवाड़ा रोड़ा नहीं है, शुरुआत है, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। हाल ही में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीटें जीतेगी। संगठन में आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, आप हरियाणा के चुनाव प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महासचिव और फिर बंगाल के प्रभारी। बंगाल में आपने कमाल भी किया, 40 में से 18 सीट आपने बीजेपी को दिलाई, 40% वोट शेयर भी बढ़ा। तो अब मध्य प्रदेश में रहते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी होगी लोकसभा चुनाव? 29 सीट जिताना और मुझे जबलपुर सेक्टर का इंचार्ज बनाया और ये भी कहा मेरे कान में कि छिंदवाड़ा जिताना है। तो आप 100% जिताएंगे, 100% जिताएंगे। तो आप कमलनाथ को कमतर रखते हैं? है जी, कमलनाथ को कमतर रखते हैं? नहीं, कमलनाथ बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पर इतने बड़े नेता भी नहीं कि उनको हराया नहीं जा सके। और हमारे सहयोगी भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं लाइव, उनसे हम जानकारी लेंगे। अजय, छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय, कहीं ना कहीं कांग्रेस की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी क्योंकि काफी ज्यादा फेरबदल और उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे कि कहते नजर आए हैं कि छिंदवाड़ा कोई बड़ा हर्डल नहीं है, हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और अब ये 3 दिवसीय दौरा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 28 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी जीतने का दावा कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और नगरी प्रशासन मंत्री चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, बार बार इस बात का दावा करते नजर आए हैं कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब 3 दिवसीय दौरे पर नगरीय प्रशासन मंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ जो मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसे जनता को समझाएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए बेहद कठिन डगर नजर आ रही है लोकसभा चुनाव में क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से ताकत भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा सीट पर झोंक दी है और खुद जो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे अलग अलग देश के अलग अलग राज्य हो, कैलाश विजयवर्गीय पार्टी को मजबूत करने के लिए और चुनावी रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई है और अब लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में जिस तरह से ताबड़तोड़ 3 दिन प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, तो 3 दिवसीय दौरा ये कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है। लेकिन अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर भारतीय जनता की पार्टी के दावे के अनुरूप परिणाम आते हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए वक्त तो बताएगा क्योंकि अब देखिए तारीखों का ऐलान हो गया है, बस देखना ये होगा कि क्या कुछ और अहम रहता है। बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।